गाइस, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप रूबिक क्यूब कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो रूबिक क्यूब के ये वाले पीस होते हैं, इनको हम कहते हैं कॉर्नर पीस, और जो ये दो रंग वाले होते हैं इनको हम कहते हैं एच पीस, और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है सेंट्रल पीस, जो बीच वाला। तो आपको रूबिक क्यूब सोल्व करने के लिए सबसे पहले प्लस बनाना है। तो आप देख सकते हैं आधा प्लस पहले से बन रहा है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्लस बना दिया है, और अब आपको जो है इसके एच पीस मिला है, जैसे कि यहाँ पर ये सेंट्रल पीस है, जैसे कि यहाँ पर आएगा ऑरेंज, ऑरेंज और वाइट। तो आपको यहाँ पर ढूंढना है ऑरेंज वाइट। तो आप देख सकते हैं ऑरेंज और वाइट। तो अब मुझको इसको यहाँ पर ले जाना, तो मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा ऐसे। तो ये हो चुका है यहाँ पर, और अब आपको ये वाले पीस मिलाने हैं। यहाँ पर आपको चाहिए होगा ग्रीन और वाइट, ग्रीन और वाइट एच पीस। तो यहाँ पर ये रहा। अब आपको क्या करना है, आपको इसको ऐसे नीचे करना है, ऐसे दो बार नीचे, फिर आपको इसके ऐसे इसके नीचे ले आना, फिर आपको इसको ऐसे घुमा देना है। तो आप देख सकते हैं आपका ये वाला यहाँ पर लग चुका है, और अब आपको यहाँ पर रेड और वाइट एच पीस चाहिए। तो रेड और वाइट एच पीस ये रहा। तो अब आपको इसको यहाँ पर इसके नीचे ले जाना है, और फिर आपको इसको ऐसे घुमा देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लग चुका है, और यहाँ पर ये वाला भी लग गया है। और अब आपको इसके कॉर्नर पीस मिलाने हैं। कॉर्नर पीस मिलाने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर हमको लगाना है वाइट, ब्लू और ऑरेंज। हमको कोई ऐसा कॉर्नर पीस चाहिए जिसके अंदर वाइट, ब्लू और ऑरेंज कलर हो। तो आप देख सकते हैं राइस के नीचे। अब हमको इसको यहाँ पर लगाने के लिए सबसे पहले इसको नीचे करना है, और अब इसको इस साइड कर देना है। ये यहाँ पर लग चुका है। अब आपको जो है गाइस यहाँ पर ये वाला कॉर्नर पीस लगाना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वाइट, ऑरेंज और ग्रीन वाला कॉर्नर पीस ढूंढना है। तो ये रहा वाइट, ग्रीन और ऑरेंज वाला कॉर्नर पीस। अब आपको इसको यहाँ से हटाकर, अब आपका ये वाला पीस है आपको इसको यहाँ पर ले जाना है, और अब आपको इसको यहाँ पर लगाना। तो आप इसको सबसे पहले उस साइड करेंगे, और फिर इसको नीचे कर देंगे, और फिर ऐसे लगा देगी, आराम से लग जाएगा। आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो ये वाली लेयर होती है इसको हम कहते हैं आर, और जो ये वाली होती है इसको हम कहते हैं एल, और जो नीचे वाली होती है इसको हम कहते हैं डी, और जो ऊपर वाली होती है इसको हम कहते हैं यू, और जो ये वाली होती है हम इसको कहते हैं एफ, और जो ये पीछे वाली होती है इसको कहते हैं हम बी। और मान लीजिए अगर आपसे कॉर्नर पीस नहीं लग रहे हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको व्हाइट, ग्रीन और रेड कलर का कॉर्नर पीस ढूंढना है। तो ये रहा व्हाइट, व्हाइट, रेड और ग्रीन कलर का कॉर्नर पीस। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से इसके नीचे ले आना है, व्हाइट, ग्रीन और रेड कॉर्नर पीस के इसके यहाँ पर नीचे ले आना है। फिर आपको एक फॉर्मूला है, ये रहा आप देख सकते हैं जो यार लेयर होती है इसको हम कहते हैं, आपको सबसे पहले इसको नीचे करना है आर प्राइम, फिर आपको इसको नीचे वाले लेयर को साइड करना है डी प्राइम, फिर आपको इसको फिर से ऊपर करना है, और फिर आपको इसको फिर से साइड करना है डी। अब आपको ऐसे करते रहना है आर प्राइम, डी प्राइम और डी, आर प्राइम, डी प्राइम और डी, आर प्राइम, डी प्राइम और डी, आर प्राइम, डी प्राइम और डी। और आप देख सकते हैं आपके ये फर्स्ट लेयर सोल्व हो चुकी है। और अगर आपको सेकंड लेयर सॉल्व करना सीखना है, तो आप इसके सेकंड पार्ट से, आप देख सकते हैं आपके ये कॉर्नर पीस यहाँ पर लग चुका है। और अगर आपको, आप देख सकते हैं कि इसकी फर्स्ट लेयर पूरी सॉल्व हो चुकी है, और अगर आपको इसकी सेकंड लेयर सॉल्व करना सीखना है, तो आप इसके सेकंड पार्ट में सीख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।